right, more news coming in. RSS leader's arrogant jibe at the BJP says Lord Ram stopped the arrogant party. Party did bhakti but became arrogant. RSS leader Indresh has hit out at India camp, says those with no faith in Lord Ram were stopped at 2:34. This is the Vidhan of Ram Rajya in democracy. लोकतंत्र के परम में कैसा है, जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। अब उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार का कारण बोला। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं थी, सब मिलकर भी नंबर एक नहीं बने, नंबर दो पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की अहंकार आया उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया, कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो सकते। इसलिए जो राम की भक्ति करे तो निरहंकार करे, और जो राम का विरोध करे तो उसका आकल्याण अपने आप है, प्रभु ने बिगाड़ दिया। शरद इज गेटिंग आस्क्ड मोर डिटेल्स ऑन दैट बिग स्टोरी दैट वी आर ट्रैकिंग वेरी क्लोजली। शरद, ये पहली बार नहीं है जो ऐसा लग रहा है कि आरएसएस बीजेपी को टेक ऑन कर रही है, लेकिन इन कॉमेंट्स में इंद्रेश कुमार बीजेपी और कांग्रेस दोनों को टेक ऑन कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस को टेक ऑन करना कोई बड़ी बात नहीं है, तो राम विरोधी कहे जाते ही रहे हैं, आरोप लगाते ही रहे हैं ये। लेकिन जिस तरह से बीजेपी को टेक ऑन किया है इंद्रेश कुमार ने, और सार्वजनिक एक बीजेपी का कार्यक्रम नहीं था, राम भक्तों का कार्यक्रम था जयपुर के पास कानोता में, और राम रथ की पूजन का कार्यक्रम था, उसमें इस तरह से कहना कि अहंकार आ गया था, तो किसको अहंकार आ गया था, किसके नाम पर चुनाव हो रहा था। तो मुझे लग रहा है कि ये अंदर की जो बातें आ रही थी बाहर, उसका वो धीरे धीरे जिस तरह से इंद्रेश कुमार का बयान आया है, मुझे लग रहा है विपक्ष भी इसे अब मुद्दा बनाएगा। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले कहा था कि मोदी के परिवार का ट्वीट हटा लें, तब भी एक अंदरखानी ये बहस चली थी कि क्यों कहना पड़ा है, और अब इंद्रेश कुमार ने जिस तरह से खुलकर कहा कि अहंकार आ गया था जिसकी वजह से राम ने रोक दिया है, मुझे लग रहा है कि ये एक बड़ा बयान है इंद्रेश कुमार जैसे बड़े नेता का, और सीधे सीधे बीजेपी पर आरोप है। अभी तक मोहन भागवत जी ने जो कहा था उसमें ऐसा नहीं लगा था कि मतलब किसी एक नेता के बारे में, किसी एक पार्टी के बारे में, अगर एक परोक्ष रूप से आप मतलब निकाल सकते थे, यहाँ तो इन्होंने सीधे सीधे कह दिया है कि बीजेपी अहंकार की वजह से 241 पर रह गई है, और राम के भक्त जो हैं राम को लाए हैं, और राम को लाने का जो अहंकार है उस अहंकार को राम भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, ऐसा कहना मुझे लग रहा है अपने आप में बीजेपी के लिए एक विपक्ष से भी बड़ा कहा जा सकता है कार्यसूचक के तरफ से बयान है। इसे लेकर मुझे लग रहा है कि बीजेपी के अंदर भी बेचैनी होगी अगर इंद्रेश कुमार जैसे बड़े नेता इस तरह की बात करते हैं तो, और निश्चित रूप से आरएसएस के अंदर कोई ना कोई ये बातचीत हो रही होगी जिसको इंद्रेश कुमार ने कहा। इंद्रेश कुमार अगर सार्वजनिक मन से कुछ कहते हैं तो बिना विचार विमर्श के नहीं कहते हैं, वो जानबूझ कर कहे हैं, ये बात समझा जा सकता है। जी, शुक्रिया मैं साथ जुड़ने के लिए शरद कुमार, गेटिंग अस ऑल ऑफ दोस डिटेल्स एज़ फार एज़ अ बिग स्टेटमेंट फ्रॉम सीनियर लीडर ऑफ द आरएसएस इंद्रेश कुमार देयर इज कंसर्न्ड इज टेकन ऑन नॉट जस्ट द कांग्रेस बट ही इज टेकन ऑन द बीजेपी हियर एज़ वेल।